सभी को देवी के नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अपने अलमारी में रखे हुए हर एक कलर की साड़ी को निकालो और हर एक देवी के पास जाके उसके दर्शन लो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? खुश हो, मजे में हो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और किसी भी काम में व्यस्त रहो। तो आज नवरात्र का चौथा दिन है। तो हम लोग जा रहे हैं माधुरी के यहाँ खाना खाने के लिए और अपने साथ अपनी सुशी मौसी भी आ गई है, बैठी है। तो हम लोग जा रहे हैं और वंता भी तैयार हो गए हैं। वंता ने पीला पहनी इसने और आज कुछ पीला कलर है बोलते, तो मैंने पीले कलर का, और फिर वो हमेशा की तरह ब्लाउज नहीं आ रहा था तो रेड कलर का ब्लाउज पहन रही थी। ये नया वाला सिलाई मैंने लंबे स्लीव्स का। और क्या बोलते सुशी मौसी, हाय कैसे हो? पूछना, 6 महीने के बाद बोल रही, बोलना। हाँ, मैं 6 महीने के बाद इससे मिल भी रही हूँ और यहाँ 6 महीने के बाद आई हूँ। तो मैं कनाडा में थी ना, तो हम लोग बात करते थे वैसे फोन पे, लेकिन परसों के दिन मैं मिल के आई और आज हमको दोनों को जाना है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी माधुरी के यहाँ। माधुरी के यहाँ खाना क्या क्या है ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। पिछले साल भी दिखाई थी नवरात्र का। तो वंता आ जा, वंता का वंता तो बात ही नहीं कर रही। हाँ बोल, हाय कैसे हो? ठीक हूँ बोल रहे सब। तो मजे में हो? हाँ, अभी हम लोग अच्छे से मटक मटक के तैयार हो गए और मेरा गजरा भी देख लो, ये ओरिजिनल गजरा है और ये कभी मुरझाता नहीं, लेकिन ना इसमें स्मेल नहीं आता। तो ये मेरा ओरिजिनल गजरा, मैं बोली चलो आज नवरात्र का अच्छे साड़ी वाड़ी पहने तो गजरा भी लगा लेते हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग, वहां जाने के बाद दिखाती हूँ खाना आपको। बाय बाय को अभी अभी तो वीडियो चालू की और अभी बाय बोल रही है ये, है कि नहीं? अभी बहुत टाइम है अपने को बाय करने के लिए, और दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को हमने क्या क्या किया क्या नहीं किया। चलो चलते। और ये माधुरी के यहाँ का खाना, अभी रोटी परसने की है, पहले चावल खाते हैं। ये कोड़े की सब्जी, ये दाल भाजी यानी पातड़ भाजी, ये येलो राइस और ये भरड़ा और ये आम्रखंड, यानी सब चीज़ येलो है। और ये बैठ गए हैं वनिता, रूपक, सुशी मौसी और माधुरी। माधुरी बहुत दिन के बाद, माधुरी ने आज येलो नहीं पहना, ब्लू पहन गई, पहन लिया उसने। मैं क्या पहन कर रही। और ये है देवी माँ, हर साल बुलाती है माधुरी, बहुत सुबह से बहुत मेहनत करती और इतना सारा खाना बनाती और हर एक फ्रेंड को, रिलेटिव को, सबको बुलाती है। बेचारी बहुत मेहनत करती है और हम लोग साल भर फिर ये खाने की राह देखते हैं क्योंकि ये खाना बहुत टेस्टी रहता है। और अभी चलो हो गई बहुत बातें, मैं अभी खाती हूँ खाना और फिर बात करूँगी। तो आज है ज्योति के यहाँ भजन और मैं वहाँ पहुँच गई थी और उसके बाकी के भी फ्रेंड आए थे भजन गाने के लिए। तो देखो अभी आप भजन, और भजन इतना सुंदर गा रहे थे और सब लोग ये भजन पे मस्त डांस भी कर रहे थे सब, वो देवी का जो डांस रहता उस टाइप के डांस कर रहे थे। वो लता ही है, मेरी फ्रेंड है। तो अभी उसके यहाँ देखो ये सब रंगोली निकाली है उसने, बहुत सुंदर, हर साल निकालती है, पिछले साल भी बहुत सुंदर थी और उसका भी मैंने वीडियो की थी। और देखो ये इस टाइप का उसने सामने डेकोरेशन किया है, डेकोरेटिव करा। और ये देखो ये तोता भी बैठ। तो चलो मैं आपको लता के घर का थोड़ा सा टूर दे देती हूँ। और पिछले साल भी मैंने आपको दिखाया था, उसने घर बहुत सुंदर अच्छे से बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया है, हर चीज़ उसने इतनी सही से लगाई है। और ये इसने इस साल नई देवी लाई थी तो उसको सामने के हॉल में ही बहुत सुंदर देवी लग रही थी। और ये पूरा साउथ इंडियन स्टाइल का उनका पूरा गेटअप, ये डेकोरेशन वगैरह सब उसी टाइप का। बहुत सुंदर डेकोरेशन किया है इसने, ये तो गाड़े में कितना सुंदर लग रहा है। और ये स्टैंड पे, अरे इधर भी है, इन्हें पूरा घर ही सजा के रखी है और देखने में ना इतना प्रसन्न लग रहा, बहुत ही बढ़िया, एकदम पॉजिटिव एनर्जी आती। और अभी चलो,
और ये है गोलू। तो वो स्टार्टिंग में गेट पे उसने एक देवी लगाई थी, और ये गोलू सब तमिलनाडु के जो जितने भी लोग रहते हैं ना, वो मोस्टली सब ये त्यौहार मनाते हैं। तो 9 दिन ये इनका ये गोलू रहता है, और फिर उस दिन वो सबको यानी जो भी अपने फ्रेंड्स है, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उन सबको बुलाते हैं, और हल्दी कुमकुम का और थोड़ा नाश्ता वाश्ता भी देते हैं। और इतना सुंदर उसने डेकोरेशन किया था। और फिर ये गोलू के लिए इन लोग ना जहाँ भी जाते हैं तो इनको कुछ अच्छी सी छोटी सी चीज़ दिखी तो लेके आते हैं। और ये देखो पहाड़ी बनाई है, और साइड में इसने थर्माकोल का लगाई है और उसको ग्रीन पेंट कर लिया है। तो ये उसके पास का पहले का ही था, मतलब लेकिन उसने बहुत अच्छे से सजा के और सब सिस्टमेटिक रखा था। और ये पूरा हॉल ही उसने अलग से ही डेकोरेट किया था, बीच में गोलू का वो डेकोरेशन किया था, और ये जो छोटे छोटे गुड़िया ये वो जो साउथ इंडियन गॉड्स वगैरह जब जो बालाजी वगैरह है अपने, वो सब दिखाए उसने। और सबके चेहरे इतने सुंदर थे, और वो बता रही थी कि हम कहाँ भी जाते हैं और हमको अगर ये इस टाइप की कुछ चीज़ें मिली तो हम लोग वो ले लेते हैं, और जब गोलू रहता है तो वो सब अरेंज करते हैं। तो ये देखो ये मंदिर था उसका, और उसने सामने ये अपनी पालखी बनाई थी, हाथी पे बैठ के पालखी आ रही है। और वो मंदिर, तो मंदिर को भी उसके बहू ने बहुत सुंदर डेकोरेट किया था, यानी हर चीज़ का यानी छोटी छोटी चीज़ भी उसने अच्छे से रखी थी। और हर साल हमारी पुष्पा भी ये गोलू करती है, और हमारे पीछे जो अय्यर भैया रहते हैं उनके यहाँ भी रहता है। तो हमारे कॉलोनी में 2-3 जगह रहता है। और ये कुछ मूर्तियाँ लता बता रही थी मेरी बहुत पुरानी है, सब मैंने उसको अच्छे से संभाल के रखती हूँ और हर साल निकालती हूँ। और ये है हमारी लता, लता रघुनाथन, और ये ना ये कनक है हमारी, हमारी शशि है ना उसकी लड़की है, और लता की छोटी बेटी है, उसको बेटा ही है ना। तो ये देखो, और बहुत सुंदर तैयारी की उसने, 2-3 दिन रहता है उसके घर में। तो कभी उस ये स्कूल में टीचर है तो उसके स्कूल के लोग आते हैं, फिर कॉलोनी के आते हैं, फिर हमारे जैसे जो लेट हो गए वो भी आ जाते हैं। तो इस टाइप से इसने बहुत सुंदर सजा के रखी है, और तैयारी भी बहुत, और इसको ना मराठी भी आती है, मराठी में बात करती, मराठी सगा सगाना हाय करा मराठी, सगळ्यांना गोलूच्या शुभेच्छा द्या, शुभेच्छा। और मैंने इस बार एकदम छोटी सी रंगोली निकाली थी, दशहरा था तो आज मैंने अपने आंगन में ये छोटी सी रंगोली निकाली थी, और थोड़ा गमलों को पेंट कर ली थी एक दिन। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं है। आज दशहरा है, हो गए देवी के 9 दिन खत्म अपने नवरात्र के, और अलग 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 सबको एक एक चांस मिला अपनी साड़ी पहनने को, बाकी भी वो जो कलर अपने अलमारी में पड़े रहते सब पहनने के लिए। और अच्छा लगता है ये कलर रखा है ना, तो फिर अच्छा लगता है। और आज हमने कुछ नहीं, वो गुलगुले बनाए थे, कोवड़ा रहता है ना वो कुमड़ा, कुमड़े के, और वो खा लिए। और ये हमारे कॉलोनी में दशहरा कुछ इतने बड़े इससे नहीं, लेकिन हम लोगों ने अपना जो भी रंगोली निकालना, साफ सुफ करना, थोड़ा पेंट पुट करना, ये सब हमने कर लिया। और अभी ऐसे ही जा रहे थोड़ा, क्योंकि अपना टीवी ख़राब हो गया है, ये अभी टीवी देखने के लिए जा रहे, देखते कहाँ ऑफर वगैरह मिलती क्या। तो आज दशहरा है ना, तो इसीलिए जाके देखते हैं, अगर ऑफर होगी तो फिर ले लेंगे। तो चलो चलते हैं अभी टीवी लेने के लिए, लेने के लिए नहीं, देखने के लिए।